नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की एक प्रसिद्ध कविता काल तुझसे होड़ है मेरी। यहाँ पर काल को संबोधित करते हैं, काल यानी मृत्यु। ये काल के जो नकारात्मक विचार हैं, मृत्यु के जो नकारात्मक विचार हैं, उनको निम्न दर्जे का दिखाते हैं और जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो विविधता है, जीवन में जो प्रत्येक क्षण नयापन है, उसको अपने भावों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू तुझ में अपराजित मैं वास करूं। कि काल, काल यानी मृत्यु, कि हे मृत्यु, हे काल, समय चक्र, तुझसे मेरी होड़ है। होड़ से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? प्रतिस्पर्धा है। अपराजित तू, कि तू अपराजित है, तुझे हराया नहीं जा सकता, मृत्यु को कभी हराया नहीं जा सकता, लेकिन तुझ में अपराजित मैं वास करूं। लेकिन तुझ में यानी किस में? काल में मैं अपराजित, कि मुझे भी नहीं हराया जा सकता, मुझे भी पराजित नहीं किया जा सकता, वास करता हूं। वास यानी रहना, रहता हूं। कहां पर रहता हूं? मृत्यु के इस भाव में मैं रहता हूं। क्योंकि वो मानते हैं कि जो काल है वो अपराजित है, लेकिन वो स्वयं को उससे भी बड़ा अपराजित मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुझ में वास करता हूँ, इसीलिए तेरे हृदय में मैं समाया रहूँ, सीधा तीर सा जो रुका हुआ लगता हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का क्या है कि इनके मन में मृत्यु का कोई भय नहीं है, काल का कोई भय नहीं है, बल्कि ये स्वयं कहते हैं कि मैं तुझ में वास करूं, कि मैं स्वयं तुझ में रहता हूं, इसीलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं। किस लिए समा रहे हो? प्रवेश किस लिए कर रहा हूं? कैसे कर रहा हूं? सीधा तीर सा, जैसे एक निशाने पर सीधा जाकर एक तीर लग जाता है, उसी तरह जो रुका हुआ लगता हो और अपने निशाने पर जाकर वो तीर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार ये कहते हैं कि मैं तुझ में समा चुका हूँ। यानी जो मृत्यु की वास्तविकता है या सच्चाई है, उसको कवि ने पहचान लिया है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, तुझ में वास करता हूँ। तो यहाँ पर अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है और स्वयं को एक तीर की भांति कहा है कि मैं एक तीर की तरह तुम्हारे हृदय में। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं काल से डरता नहीं हूँ, अर्थात मैंने उसकी वास्तविकता को जान लिया है, और अगर काल अपराजित है, मृत्यु को अगर जीता नहीं जा सकता, तो मैं भी अपराजित हूँ। मैं कौन? यहाँ पर मानव जीवन है, मानव जीवन भी अपराजित है, उसमें उसे भी जीता नहीं जा सकता, वो भी तो मृत्यु में वास करता है। इस प्रकार से कवि अपने भावों को यहाँ अभिव्यक्त करते हैं कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, एक निष्ठ स्थिर कालोपरि भावोपरि सुख आनंदोपरि सत्य सत्या सत्योपरी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी न लगे, कि मैं उस ध्रुव नक्षत्र के तरह एक निष्ठ हूँ। ध्रुव का, ध्रुव तारा, ध्रुव नक्षत्र यानी तारा, जो ध्रुव तारा है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, और उससे भी ज़्यादा एक निष्ठ, अधिक स्थिर, काल से परे, अपने भावों से परे, ऐसा भाव जो भाव से भी परे है, ऐसा सुख जो आनंद से परे है, ऐसा सत्य जो सत्य से भी परे है, वो क्या है? मानव का जीवन। मानव जीवन कौन है? कवि अपने जीवन के बारे में ही तो कह रहे हैं। कवि मृत्यु या काल से जीवन को सर्वोपरि मानते हैं, जीवन को महत्व दे रहे हैं। मैं तेरे भी ओ काल ऊपर, कि मैं तुझसे भी ऊपर हूँ। मृत्यु जीवन की वास्तविकता है, लेकिन ये यहाँ पर जीवन को मृत्यु से भी वास्तविक मानते हैं। जो मानव जीवन है वो मृत्यु से भी वास्तविक है, वो एक ऐसा भाव है, उसमें ऐसी एक निष्ठता है जो ध्रुव तारे में भी नहीं है, ऐसी स्थिरता है, वो काल या समय से भी परे है, वो एक ऐसा भाव है जो भावों से भी कहीं आगे है, एक ऐसा सुख जो आनंद से भी परे है, एक ऐसा सत्य जो सत्य से भी परे है, और वो क्या है? मानव जीवन, मानव के जीवन की विविधता, और वो कैसे है? काल या मृत्यु से भी ऊपर है। सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है ओ काल, कि सौंदर्य यही तो है, और किस में सौंदर्य है? मानव जीवन में सौंदर्य है। मानव जीवन में जो सुंदरता है वो किस में नहीं है? काल में नहीं है, कि जो तू नहीं है ओ
ओ काल, और तुझ में क्या नहीं है, मानव जीवन का सौंदर्य तुझ में नहीं है। ये किसको कह रहे हैं, काल या मृत्यु को यहाँ पर संबोधित किया है। जो मैं हूँ, मैं कि जिसमें सब कुछ है, क्रांतियाँ, कम्यून, कम्युनिस्ट समाज के नाना कला विज्ञान और दर्शन के। कवि कहते हैं कि मैं यानी मानव जीवन कि जिसमें सब कुछ है और मुझ में सब कुछ है, मानव जीवन में सब कुछ है। मानव जीवन में क्रांति भी है, कम्युनिस्ट विचार भी हैं, समाज के बदलाव लाने वाले विचार भी हैं, और अनेक प्रकार की कलाएं, विज्ञान और दर्शन भी है। किसमें, मानव जीवन में, यानी सब कुछ है। और ये सब किसमें नहीं है, काल में नहीं है, इसीलिए ये जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में, कि मैं जीवन के वैभव से समन्वित हूँ, मुझ में जीवन का वैभव या ऐश्वर्य समाया हुआ है। मैं जो वह हरेक हूँ जो तुझसे ओ काल परे है, कि मैं वह हूँ जो हरेक हूँ। हरेक यानी सृजन करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ये सब तुझ में नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ जो तुझसे ओ काल परे है। और हे मृत्यु, हे काल, ये जीवन तुझसे परे है। और ये मैं जो वह हरेक हूँ, हरेक यानी प्रत्येक मानव जीवन में हूँ। और क्या सब चीज़ें, जो ये विविधताएं हैं, मानव जीवन के अलग अलग विचार हैं, उतार चढ़ाव हैं, ये मृत्यु में नहीं है। मृत्यु क्या है, जीवन की शून्यता, जहाँ जीवन समाप्त हो जाता है, मानव शरीर मिट्टी बन जाता है, उसके पश्चात उसके जीवन में कोई गति नहीं, कोई प्रगति नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन अगर मानव जीवन है तो उसमें अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उसे अनेक प्रकार की क्रांतियों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में अनेक क्रांतियाँ आती हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो कम्युनिस्ट की भांति बदलाव लाने वाले हैं, अनेक जीवन में कलाएं हैं, विज्ञान है, दर्शन है, और जीवन जो जीवंत वैभव है, जीवंत जीवन का जो ऐश्वर्य है, वो सब कहाँ है, मानव जीवन में तो है, मृत्यु में नहीं है। इसीलिए वो काल से अपने आप को परे मानते हैं, मृत्यु से अपने आप को अलग मानते हैं, क्योंकि जो सुख, जो वैभव, जो उन्नति उनके जीवन में है, वो मृत्यु में संभव नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से कवि काल से भी स्वयं को परे मानते हैं। वो मानते हैं कि जो काल है वो जीवन को समाप्त कर सकता है, लेकिन कवि के काव्यत्व को कभी समाप्त नहीं कर सकता। एक कवि की पहचान उसका काव्य है, जो सदियों तक जीवित रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। इससे कवि अमर हो जाते हैं और काल, मृत्यु पीछे छूट जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुमसे भी अपराजित हूँ, कि मैं मृत्यु से भी अपराजित हूँ, क्योंकि मृत्यु यानी नश्वर जीवन, क्षण समाप्ति का। लेकिन अपने आप को वो मानते हैं कि जो कवि अपने जीवन को जीता है, जीवन की विविधता को जीता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, उन पलों को अभिव्यक्त करता है, कवि की वही कलम के द्वारा की गई अभिव्यक्ति उसे सदियों तक अमरता प्रदान करती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि वो मानते हैं कि मौत उनमें नहीं, वो तो स्वयं मृत्यु में वास करते हैं। इसी तरह वो काल से अपने आप को अपराजित बताते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जीवन और मृत्यु के बीच में तुलना की है, और वो ये मानते हैं कि मृत्यु से कहीं ज़्यादा विविधतापूर्ण जीवन है, और अपने जीवन को वो अपराजित बताते हैं, क्योंकि मृत्यु भी उनके जीवन को समाप्त नहीं कर सकती, उनके काव्यत्व को समाप्त नहीं कर सकती। और शायद यही कारण है कि शमशेर बहादुर सिंह जी इस दुनिया में नहीं, लेकिन हम उनकी कविता को आज भी पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।